Well, they've certainly found a superstar in Mohamed Siraj. He's improved and improved, and he's just seen his team over the line here. He was getting mighty close with Butler and Robinson. आप लोगों को मालूम होगा कि आज टीम इंडिया ने लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीत लिया और उसमें हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। तो आज हम समझेंगे स्विंग कैसे होती है और कितने तरीके की होती है। बेसिकली स्विंग दो तरीके होती है, कन्वेंशनल स्विंग होती है, रिवर्स स्विंग होती है। कन्वेंशनल स्विंग जो होती है वो नई बॉल के साथ होती है और रिवर्स स्विंग जो होती है पुरानी बॉल के साथ होती है। कन्वेंशनल स्विंग में अगर हम लोगों ने बॉल को जिस तरफ फेंका वो उसी डायरेक्शन और उसी सीम पे जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल स्विंग। और जो रिवर्स स्विंग होती है आपने जिस डायरेक्शन में फेंका वो अगर उसके अपोजिट चली जाती है उसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। कन्वेंशनल स्विंग कैसे होती है, जब भी बॉल को हम लोग जिस डायरेक्शन में फेंका है जब फेंकते हैं तो दूसरी तरफ से एयर चलती है, तो एयर जो होती है जो रफ सरफेस होता है, एक सरफेस रफ होता है, एक शाइनी सरफेस होता है, जो रफ सरफेस होता है उसमें एयर जो होती है ज्यादा देर तक रहती है, ज्यादा देर तक रहती है उसका प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, और जो दूसरा सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है वहां पर कम देर के लिए रुकती है, वहां प्रेशर हाई हो जाता है और हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, इसलिए बॉल उस तरफ मूव कर जाती है। जब हम लोग रिवर्स स्विंग की बात करते हैं तो रिवर्स स्विंग के लिए बॉल को रफ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बॉल को लगातार घिसा जाता है या उसको थूक लगाया जाता है या उसको सर से रफ कराया जाता है। तो इसके करने के बाद एक सरफेस जो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है वहाँ पर एयर जब आती है तो वो नीचे वाले सरफेस जो रफ है उसमें ज़्यादा देर तक रुकती है और जो स्मूथ सरफेस होता है उसके पहले ही कॉन्टैक्ट में आती है और पहले ही निकल जाती है। तो जहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकी वहाँ पर लो प्रेशर, उसके ऊपर साइड अप प्रेशर, तो बॉल जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर जाती है, इसका मूवमेंट आगे जा रहा होता है लेकिन बॉल जो उसके अपोजिट मूव कर जाती है और इस तरह रिवर्सिंग हो जाती है। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।